हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किचन किंग में बिस्किट से केक बना रही हूँ, वो भी विदाउट माइक्रोवेव और ओवन से केक बना रही हूँ। उसके लिए हमने लिए है बिस्किट जो मेरे पास अवेलेबल थे घर में, मिल्क वाइल, और हमने चीनी को पहले से पेस्ट कर रखा है। ये देखिए, अब हम सारे बिस्किट में से क्रीम को अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से निकल रहे हैं। हमने सारे बिस्किट को अच्छे से निकाल के चॉकलेट को रख लेंगे। ये देखिए, ये मुझे ये देखिए हमने सारे बिस्किट में से क्रीम अच्छे से निकाल लिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स में पीसूंगी। देखिए, अब सारे बिस्कुट को हमने अच्छे से तोड़ के मिक्सी में पीसूंगी। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छे से पीस लिए। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से एक बार में निकालूंगी। ये देखिए, हमने अच्छे से निकाल ली है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जिससे कि पतला ना हो जाए। अब मैं इसे क्वांटिटी के हिसाब से इसमें चीनी पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, फिर इसमें अब मैं दूध, अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करते रहे जिससे कि ये गुठली गुठली की तरह ना बन जाए। इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है इसमें। ये देखिए, देखने में कितना अच्छे लग रहा है। ये देखिए, अब अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इनो। जिससे कि अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, हो गया इसे। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने इसमें इनो डाला है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें सोडा भी डाल सकते हैं खाने वाला। और मैं केक को शेप में डालने के लिए एक कटोरा लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने वाइल डाल रही हूँ। वाइल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए, हमने इसमें अच्छी तरह से वाइल लगा दी है। अब मैं इसमें अच्छे से इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए बन चुके हैं। अब इसे मैं कुकर में डालूंगी। देखिए, हमने कुकर लिया। अब ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी। ये कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं छोड़ दूंगी, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए। इसे मैं कवर लगा रही हूँ। अच्छे से खोल के देखूंगी, अगर हो सके तो आप बीच बीच में ट्राई कर सकते हैं बना कि नहीं बना। अब मैं इसे खोल के देख रही हूँ। देखिए, अब मैं इसे अच्छे से खोल रही हूँ। ये देखिए, अब
चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अब इसमें मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, क्रीम में ली है डेयरी मिल्क। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखिए अब मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से डेकोरेट कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल हमने चॉकलेट शेक बनाया है। ये देखिए केक अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से कट करके देख रही हूँ। ये देखिए हमने कट कर लिया। ये देखिए वाओ, ये देखिए कितना स्पंजी, देखिए कितना स्पंजी बना है। प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।